यदि हम कहें कि एक 12वीं पास छोटी सी साइकिल दुकान में पंचर बनाने का व्यवसाय के साथ साथ विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश शिक्षा की तैयारी करवाता है और उसके द्वारा पढ़ाए गए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयनित हो रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है। प्रदेश के कई जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इस विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें चयनित होने पर ही प्रवेश दिया जाता है। चूंकि नवोदय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश दिलाने को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ कक्षा 6वीं से प्रवेश दिया जाता है। डोंगरगढ़ से लगभग 12 किलोमीटर दूर मुसरा कला नाम के एक छोटे से गाँव में दीनदयाल साहू अपने परिवार के साथ रहता है और अपनी आजीविका के लिए छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। दीनदयाल ने 12वीं तक पढ़ाई की है। पारिवारिक दिक्कतों के चलते वह आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। वहीं 5वीं-6वीं क्लास के बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करवाता है। उसके पढ़ाए गए विद्यार्थी आज नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वह इन बच्चों से फीस नहीं लेता, यदि किसी ने दे दिया तो वह रख लेता है। दीनदयाल का कहना है कि वह अपनी बेटी को नवोदय में प्रवेश दिलाना चाहता था। सबसे पहले 2001 में दीनदयाल की बेटी का नवोदय में चयन हुआ, उसके बाद 2013 में उसके बेटे का चयन हुआ। इससे दीनदयाल का आत्मविश्वास बढ़ा, लोगों ने भी उसे प्रोत्साहित किया। इसके बाद वह बच्चों को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में चयन के लिए पढ़ाने लगा। 2011 में मेरा बेटा का सिलेक्शन हुआ सर, तो मुझे लगा कि वहाँ डोंगरगढ़ नवोदय के बारे में मैं बहुत सुना था कि बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई का, तो इस तरह से बढ़ते गया मेरा थोड़ा पढ़ाई का जुनून और स्तर। फिर मेरी बेटी और भांजी का 2013 में सिलेक्शन हुआ। दीनदयाल साहू बताते हैं कि पहले उन्हें लगा कि वे पढ़ा पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों का चयन होता गया उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। और इसमें अच्छे अच्छे बहुत शिक्षित परिवार लोग भी अपने बच्चों का सिलेक्शन नहीं करवा सकते थे, तो मुझे थोड़ा आत्मविश्वास हुआ और बहुत सारे पेरेंट्स लोग भी बोले कि आपसे थोड़ा जमता है पढ़ाई, इसमें करवाओ करके। तो मैं थोड़ा सा वो हुआ था कि मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ तो पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा करके। हिम्मत कर दीनदयाल साहू बच्चों को पढ़ाने लगा। पहले साल 9 बच्चों को पढ़ाया, जिसमें से 5 बच्चों का नवोदय में चयन हो गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। दीनदयाल का कहना है कि परीक्षा के लिए सभी स्टडी मटेरियल्स वे स्वयं मुफ्त ही छात्रों को देते हैं। फर्स्ट साल में मेरे पास 9 बच्चे आए थे, उसमें 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा और थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया और जुनून के साथ आगे बढ़ते गया। फिर बच्चों की संख्या भी बढ़ती गई, सिलेक्शन होते गए बच्चे, और एक माहौल बन गया कि नवोदय हमारे डोंगरगढ़ नवोदय स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चों को अच्छा माहौल मिल रहा है, पढ़ लिख के अच्छे से काबिल इंसान बन रहे हैं, उनकी सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस तरह से मुझे और अच्छा लगा। अपनी तरफ से क्या सामग्री देते हैं बच्चों को पढ़ने? मैं अपनी तरफ से बुक देता हूं सर, और टेस्ट सीरीज की सभी मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर और मार्कशीट वगैरह कैसे आते हैं, कैसे भरना है आपको, वहाँ ये पूरी मटेरियल में ही देता हूँ अपनी तरफ निशुल्क। अभिभावकों का कहना है कि दीनदयाल जी बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं और आसपास के छात्र यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं। हमारे दीनदयाल सर जी बहुत अच्छा टीचिंग करते हैं और उनकी जुनून को देखकर हम पेरेंट्स में भी बहुत अच्छी एनर्जी है, और वो हमें न्यूनतम शुल्क लेकर बच्चों को गाइड्स देते हैं और समय में आने की गाइडलाइन करते हैं, इंसॉल्ट पेपर देते हैं। इसके अलावा उसकी टेक्निकल जो है पढ़ाने की बहुत ही अच्छी है। बच्चे का चयन हुआ जी? मेरा बच्चे का चयन हुआ और सबसे अच्छी पोजीशन में चयन हुई उनकी। अब तक 48 बच्चे का चयन जी, अब तक दीनदयाल जी की कोचिंग में 48 बच्चे का चयन हो चुकी है, शुरू से लेकर आज तक की 48। वो सेंट पीटर पढ़ता था डोंगरगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसको क्या हिंदी समझने में दिक्कत होती थी, तो ये दीनदयाल सर ने यहाँ पर उनको बहुत मेहनत की इसके लिए,
मतलब इंग्लिश से हिंदी में पढ़ाने में पूरा दिन भर सहयोग करते थे। जैसे बाकी समय तो 2-4 घंटे पढ़ाते थे, लेकिन छुट्टी के दिन ये हमेशा सुबह से शाम तक पढ़ाते थे मेरे कहने पे, क्योंकि उतना मतलब ये लेते नहीं थे फीस वगैरह, हम अपने मन से इसको जितना मन से उतना देते थे। कितना किलोमीटर दूर से आते हैं बच्चे? तो ऐसा दूसरे ब्लॉक से भी आते हैं, जैसे छुरिया हो गया और आपका खैरागढ़ ब्लॉक हो गया, नांगो क्षेत्र से भी आते थे पढ़ने, मगर चौकी। मेरा एक दोस्त है वहाँ पर छुरिया तरफ का, उसका बच्चा का भी सिलेक्शन हुआ। मैं डोंगर से आता हूँ। चयनित छात्राओं ने बताया कि सर उन्हें काफ़ी अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। सर के पास मैंने 2 क्लास पूरे, मैंने 4th में भी ज्वाइन किया था और 5th में भी, दोनों क्लास मतलब 2 साल मैंने यहाँ पढ़ा है और मेरा भी 9th में सिलेक्शन हो गया है। कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब हमें जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसे अच्छे से पढ़ाते हैं, और लास्ट में जब क्वेश्चंस वो पूरा क्वेश्चन बता भी डालते हैं फिर भी पूछते हैं कि क्या आपको कुछ समझ में आया है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलिए मैं आपको समझाऊंगा। कितना घंटा पढ़ते हो? यही 7 से 10, सुबह 7 से और वो भी पढ़ाते हैं। चयन हो गया? हाँ चयन हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले लग रहा था, पहले सर बोलते थे कि तुम लोग अपना लक्ष्य बना लो कि अभी तुम लोगों को पास होना ही है करके, तो हम लोग भी सोचते थे, अब सर इतना बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमसे उम्मीद रख रहे हैं तो अब हमें पास होना ही पड़ेगा। पहले बहुत वो लगता था कि सच में ऐसा होता है करके, तो जब हम वहाँ गए तो हमें रियलाइज हुआ कि सच में वैसा ही है करके। नवोदय दीनदयाल साहू एक छोटे से गाँव में रहते हैं और उनकी सोच ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की है। बच्चों उनके अभिभावकों की प्रेरणा और खुद की मेहनत ने उन्हें एक अच्छे काम से जोड़ दिया। DNX TV के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।